नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, और बारिश के मौसम में हम कभी भी बना के खा सकते हैं। तो आइए ये किस तरह बनाना है वो देखते हैं, और इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो भी देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब भी मैं अपनी नई रेसिपी अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन की बेल आपके मोबाइल में बजेगी, तो आप मेरी रेसिपी को फटाफट देख भी पाएंगे। तो आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बनाते हैं हम क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा। आज हम बना रहे हैं कॉर्न पकौड़ा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, और इस बारिश में खाने का मज़ा कुछ और ही है। तो आइए ये किस तरह से बनाने हैं वो देखते हैं। कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट कॉर्न, और ये हमने 2 कप स्वीट कॉर्न लिया है, अच्छे से धो लिया है इसको हमने। 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1/4 कप राइस फ्लावर, थोड़ा सा धनिया पत्ता लगेगा हमें, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। तो आइए पहले हम कॉर्न को बारीक पीस लेते हैं। मिक्सी का जार लिया है, हम इसमें डालेंगे ये 3 हरी मिर्च जो इसको हमने काट लिया है। ये कम तीखी हरी मिर्च ली है हमने, अदरक के भी टुकड़े कर लिए हमने, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, और ये कॉर्न इसे भी डालेंगे इसमें। और इसे हम बारीक नहीं, हमें पीसना है ऑन ऑफ, मिक्सी ऑन ऑफ करके, यानी पल्स में हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं, एकदम दरदरा पीसना है हमें। कॉर्न को हमने दरदरा पीस लिया है, आइए इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है कॉर्न को, और इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। प्याज, प्याज को हमने बारीक काट लिया था, धनिया पत्ता, हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। इसे हमने मिक्स कर लेना है। और इसे बाइंडिंग करने के लिए हमने ये चावल का आटा लिया है, और इसमें ये चावल का आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें ये मिक्सचर इतना ही चाहिए, ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं बनाना है। हमने इसमें से 2 टेबलस्पून इतना चावल का आटा लिया और ये इसमें मिक्स किया। हमारा ये पकौड़े का मिक्सचर तैयार है, आइए इसे हम फ्राई कर लेते हैं पकौड़े। पकौड़ा तलने के लिए हमने तेल रखा है गरम करने के लिए, ज़्यादा गरम नहीं किया हमने, मीडियम गरम है ये। और इसमें हम ये पकोड़े डालते जाएंगे मिक्सचर, ये मैं चम्मच से डालूँगी इस तरह से छोटा छोटा, इस तरह से। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, अंदर तक ये क्रिस्पी होने चाहिए। हमने अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लिया है कॉर्न पकौड़ों को, और इन्हें हमें निकाल लेना है। इस तरह से निकाल लेने से इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इन्हें हमें टिश्यू पेपर पे निकालना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हो,
वो निकल जाए, और इसी तरह से हमें सारे कॉर्न पकौड़े फ्राई करने हैं। तैयार है हमारा कॉर्न पकौड़ा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, बहुत क्रिस्पी है ये, कुरकुरा है। तो आप ज़रूर बना के देखिए और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरी रेसिपी को यूँ ही लाइक दीजिए, यानी यूँ ही शेयर करते रहिए, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूँ ही आशीर्वाद देते रहिए। और ये मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।